हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कर्शो जी। गाइस, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह अपनी स्केचअप के लिए या 3D वेयरहाउस के लिए जो ट्रिम्बल आईडी है वो हम किस तरह बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सारा के सारा प्रोसेस जो है वो सीखेंगे कि हम फ्री में एक ट्रिम्बल आईडी जो है वो हम किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या आप अपने स्केचअप के अंदर जो 3D वेयरहाउस है वहाँ पर जाके आपको 3D वेयरहाउस के जो एक्सटेंशन है या मेन्यू है वहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो डायरेक्ट करेगा ट्रिम्बल आईडी बनाने के लिए, या आप डायरेक्टली किसी भी क्रोम में या ब्राउजर में आके यहाँ आपको लिखना है www.sketchup.com आपको लिखना है sketchup.com आपको लिखना है। जो ही आप लिखेंगे तो आप यहाँ पर इस पेज पर आप आएंगे जो है यहाँ पर इसी पर। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आप वो एक पेज के लिए रिडायरेक्ट करेंगे, दूसरे पेज पर हम आएंगे। दूसरे पेज पर आने के बाद हम जो है अपना आईडी जो है वो हम बना सकते हैं। तो इसी पेज पर आपको आएंगे, वो रिडायरेक्ट करेंगे। इसी पेज पर आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है आपको इसको एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पर आपको अपने लिए कोई भी आपका जो यूज़र नेम है ऑलरेडी, अगर आपका अकाउंट बना है तो आप यहाँ से पर लिख करके उसको जो है साइन इन कर सकते हैं। लेकिन हम न्यू बनाएंगे तो यहाँ पर आप नीचे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर है न्यू यूज़र क्रिएट अ ट्रिम्बल आईडी। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको किसी भी योर जो रीजन में आप बना सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है या एवरीवेयर एल्स। इसके बाद क्योंकि हम यूनाइटेड स्टेट्स से नहीं है तो या यूनाइटेड किंगडम से नहीं है तो हम या नीचे आपको क्लिक करना है एवरीवेयर एल्स और नेक्स्ट करना है। जो ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक और जो है वो पेज जो है वो विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, तो यहाँ पर सिंपली मैं अपना नाम दे रहा हूँ, और यहाँ पर आपको अपना ईमेल जो है वो एंटर करना है। यहाँ पर अपना ईमेल जो है मैं एंटर करूँगा, और अपना ईमेल एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जो ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अभी आपको जो है एक वेरिफिकेशन कोड जो है आपके ईमेल पर जो है वो आ जाएगी। तो मैं जो है अपना ईमेल जो है वो चेक करूँगा और वही कोड मैं यहाँ पर जो है एंटर करूँगा। तो जी गाइस, आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मुझे जो एक मेल जो है मुझे मौसूल हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे जो है एक कोड जो है वो सूल होगा यहाँ पर, और इसको मुझे कॉपी करना है क्योंकि ये 10 मिनट्स में एक्सपायर हो जाएगा। तो इससे पहले मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और वापस आके यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कोड वाला सेक्शन है यहाँ पर मुझे इसको जो है पेस्ट करना है। तो यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ से सबमिट, और अभी जो है हम अपना पासवर्ड जो है वो सेट करेंगे। तो यहाँ से हम अपना पासवर्ड सेट करेंगे, और दोबारा से मुझे जो है यहाँ पर लिखना है, कंफर्म करना है, और यहाँ से अभी आपको क्या करना है, सबमिट करना है। जो ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो अकाउंट है ओहो, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा अकाउंट जो है ओहो बन गया। और यहाँ से आप अपना जो टाइम जोन है और इस तरह वगैरह करेंसी कंट्री वगैरह जो है आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा, और यहाँ से अकाउंट में वुड यू लाइक टू ऐड एन एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी टू योर अकाउंट, तो आई एम ए रिडायरेक्ट टू योर एप्लीकेशन। दोबारा से आपको यस करना है, जो ही आप यस करेंगे अभी हमें इसको यहाँ पर ले आया, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे और अब यहाँ से हम इसको साइन इन करेंगे यहाँ से। और ये आप देख सकते हैं हम अपने अकाउंट के अंदर जो है आ गए। तो यहाँ से सक्सेसफुली हमारा जो ट्रिम्बल अकाउंट है हमने बना दिया। तो आप इसी तरीके से अपने लिए कोई भी अकाउंट जो है वो ट्रिम्बल अकाउंट जो है अपने स्केचअप के लिए बना सकते हैं। आप फिर अपने 3D वेयरहाउस के लिए या कोई दूसरी जो प्लगइन्स है इसको डाउनलोड करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से कंप्लीट जो है ये इस प्रोसेस के ज़रिए से आप अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।